सो गाइस आज की वीडियो का पोकेमॉन क्विज ये है। इस पोकेमॉन का नाम कमेंट्स में बताओ और अगली वीडियो में आपका नाम फीचर होगा। वेलकम बैक ब्रेव बैंडिडोस। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार एस गलार रीजन के चैंपियनशिप में जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इस वीडियो में यार हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे यार कि एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है गलार रीजन में जीतने की। उससे पहले यार जो भी चैनल पर नया आया यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यार हमारा चैनल जल्दी ही पहुँचने वाला है 3000 सब्सक्राइबर्स पे। तो यार अगर नया आया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप पोकेमॉन सीरीज़ को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो, यानी यार आप लोग अगर कैंटो से पोकेमॉन को देखते आ रहे हो, तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि यार पोकेमॉन क्रिएटर्स कभी भी एश केचम को सारे बैटल्स में नहीं जिताते हैं, किसी किसी बैटल में जिता देते हैं और कभी कभी तो हरा भी देते हैं। इसका रीज़न यार सिंपली है कि यार अगर मान लो कि यार एश सारे बैटल्स जीतने लगे तो यार पोकेमॉन सीरीज़ में कोई क्रेज़ बचेगा ही नहीं और यार हम लोग उसको देखना ही छोड़ देंगे। लेकिन यार इस बार सारे पोकेमॉन फैंस की नज़रें एश के गलार रीजन चैम्पियनशिप में होने वाली है, क्योंकि यार उसमें वो लियोन से लड़ने वाला है। लियोन के पास यार काफ़ी सारे ताकतवर पोकेमॉन हैं और यार लियोन को हराना कोई आसान बात नहीं है। तो यार पहले हम लोग लियोन के सारे पोकेमॉन्स को देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि यार एश का कौन सा पोकेमॉन उसे हरा पाएगा। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों को लियोन का सबसे मेन पोकेमॉन तो पता ही होगा, जो कि एक चारिजार्ड है। और यार उसका जो चारिजार्ड है वो जायगंटा मैक्स भी हो सकता है, मतलब कि यार उसका चारिजार्ड बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। अब अगर एश को इतने ताकतवर फायर टाइप पोकेमॉन को हराना है तो यार उसे एक ताकतवर वाटर टाइप पोकेमॉन भी चाहिए होगा। और यार हम सभी लोग जानते हैं कि यार एश के पास एक ताकतवर वाटर टाइप पोकेमॉन है, जो कि यार ग्रेनिंजा। यार एश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड आप सभी को तो जानते ही होंगे। यार एश और ग्रेनिंजा एक दूसरे के ऑरा को महसूस कर सकते हैं और आप लोग एश ग्रेनिंजा के बारे में तो जानते होंगे, जिसके अंदर ग्रेनिंजा एश की पावर को महसूस कर सकता है। तो यार लियोन के चारिजार्ड को हराने के लिए ग्रेनिंजा सबसे बेस्ट चॉइस होगी। लेकिन यार पोकेमॉन क्रिएटर्स को ग्रेनिंजा का कमबैक भी कराना पड़ेगा, क्योंकि यार एश ने ग्रेनिंजा को कहीं और छोड़ रखा है। तो यार जब तक ग्रेनिंजा वापस नहीं आएगा तो यार मुझे नहीं लगता कि यार उस जायगंटामैक्स चारिजार्ड को कोई और हरा सकता है। लियोन का अगला पोकेमॉन है एजिस्लैश, जो कि एक स्टील और डार्क टाइप पोकेमॉन है। और यार इसके लिए तो हमारा एश का पिकाचू ही काफी रहेगा। लियोन का तीसरा पोकेमॉन है हेक्सोरस। तो एश को इस मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले पोकेमॉन को हराने के लिए अपना चारिजार्ड तो जरूर बुलाना ही पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि यार अगर आप लोग ने ऑरेंज आइलैंड का वो चैंपियनशिप बैटल देखा होगा तो आपने वहां पे चारिजार्ड की शक्ति को देख लिया होगा, क्यों यार कितना खतरनाक चारिजार्ड हो सकता है एश का, ये हम लोगों ने वहां देखा, क्योंकि यार उसने ड्रैगनाइट को हरा दिया था वहां पे। उनके अगले दो पोकेमॉन है सेस्मिटोड और राइपेरियर। सेस्मिटोड एक टॉक्सिक टाइप या वाटर टाइप तुम लोग कह सकते हो पोकेमॉन है और राइपेरियर एक रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। अब गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि यार एश के इन दोनों पोकेमॉन को हराने के लिए कौन सा पोकेमॉन अच्छा होगा। मेरे हिसाब से यार मैं सोच रहा हूँ कि यार लुकारिया और गेंगार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकते हैं इन दोनों को हराने के लिए। लेकिन यार मुझे आप लोग के सजेशंस कमेंट्स में चाहिए, तो यार कमेंट में जरूर बताना कि यार एश का कौन सा पोकेमॉन सेस्मिटोड और राइपेरियर को आसानी से हरा सकता है। सो यार यही थे मेरे कुछ प्रेडिक्शन कि यार एश लियोन को आसानी से कैसे बीट कर सकता है और कौन कौन से पोकेमॉन उसे चाहिए होंगे लियोन के अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स को बीट करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है यार कि यार गलार रीजन चैंपियनशिप में एश लियोन को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा? और यार मुझे कमेंट्स में ये बात जरूर से बताना यार एश की कौन सी बेस्ट टीम रहेगी लियोन की बेस्ट टीम को हराने के लिए। मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतजार करने वाला हूँ। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।